असल वरहत लरक मेरे बच्चों मैं अमीदुल्ला टीचर यू पी एस मीर मलचिपरा आपसे मुखातिब हूँ बच्चों जैसे कि आपको मालूम है हम क्लास फिफ्थ का उर्दू पढ़ रहे थे पिछले दो दिनों से और हमारा जो लेसन था मौजूद जो था वो था डॉक्टर अम्बेडकर जिसका पूरा नाम था डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जिसका नाम था जो हरी का रहनुमा था जिसने हरिजनों के लिए एक जदोजहद एक लड़ाई लड़ी एक आवाज उठाई जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अमीर जादे लोग गरीब तबके लोगों को कम जात लोगों को नीचे जात वाले लोगों को अपने से हटकर समझ रहे थे अपने से हट कर समझने की क्या बात है जैसे कि कोई अमीर इन भी था वो गरीब आदमी को नीची नजरों से देख रहा था यानी हकीर नजरों से देख रहा था गरीब तबके लोगों को कमजात लोगों को जात पात लोगों को कमजात वाले लोगों को इतना तकलीफ उठाना पड़ता था कि उनको अगर गाँव में कोई कौवा होता था कोई नहर जारी होती थी या कोई तालाब होता था तो कमज़ार लोगों को वहाँ उस पानी को टच भी करने नहीं देते थे छू भी नहीं सकते थे वो पानी पीने की बात कुछ और थी तो इसी खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक जुदी जहाद एक लड़ाई लड़ी गवर्नमेंट के साथ और हरिजनों को कम वाले लोगों को अपना हक दिलाने में एक अहम रोल अदा किया और इतना ही नहीं हिंदुस्तान का आयन बनाने में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक अहम रोल रहा तो ये लेसन हमने कल कंप्लीट किया आज हम इसके सवालत करने जा रहे हैं पहला सवाल है इसका डॉक्टर अंबेडकर किन के रहनमा थे जवाब है इसका डॉक्टर अंबेडकर हरिजिनों के रहनुमा थे सवाल नंबर दो था हरिजनों पर क्या पाबंदी आई थी जवाब है हरिजनों पर यह पाबंदी आई थी कि वो झीलों तालाबों और कं के पानी को छू भी नहीं सकती थी डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है अंबेडकर था बाबा साहेब अम्बेडकर का इंतकाल कब हुआ बाबा साहेब अम्बेडकर का इंतकाल उन्नीस सौ छप्पन ईस्वी को हुआ जेल के जुलो जुमले सही अल्फाज से मुकम्मल कीजिए पहला जुमला है महाराष्ट्र के शहर महड़ का तालाब डैश के नाम से मशहूर है और ऑप्शन है इसके लिए दो गहरा तालो तालाब चौदार तालो मगर वो तालाब किस नाम से मशहूर था चौदार तालाब के नाम से ऊंची जात के लोग डैश पर जुल्म करते थे किन पर जुल्म करते थे हरीजनों पर या ब्राह्मणों हुए पर जुल्म करते थे पानी खुदा की दीन है और इस पर सबका हक है सबका डैश है हक इख्तियार कब्जा इस पर सबका हक है बाबा अम्बेडकर जुल्म करने जुल्म के खिलाफ बाबा अम्बेडकर ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई आवाज चलाई नहीं बल्कि आवाज उठाई बाबा अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का आन बनाने में अहम रोल अदा किया आन और कानून यानी आन बनाने में नीचे दी गई खाली जगहों को मुनासिब हरूब से पूर कीजिए मुनासिब हरूफ से पूर करना है मुनासिब हरूप मुनासिबरूफ किसको कहते हैं जो दो लफ्जों को आपस में जोड़ने की जोड़ने का काम करे जैसे कि यहां पर है अकबर डैश खाना खाया अकबर हरूप किसको कहते हैं जो दो अल्फा को आपस में जोड़ने की कोशिश करे अकबर ने अकबर ने अकबर ने खाना खाया रशीद को कुत्ते ने रशीद को कुत्ते ने काटा रशीद को ये इसके साथ है ऊपर वाली डैश रशीद को कुत्ते ने काटा मैंने किताब पढ़ी ने और को जो है इनको हरूक कहते हैं राजा ने क्रिकेट खेला राजा ने क्रिकेट खेला सोनू ने मैच जीता सोनू ने मैच जीता आखिरी है हामिद को हामिद को चक्कर आया हामिद को हामिद को चक्कर आया हामिद को चक्कर आया तो ये थे कुछ सवालत इस लेसन के जो हमने कंप्लीट किए आज सारे के सारे सवाल हमने आज कंप्लीट किए कल हम इंशाल्लाह इसकी दूसरी लेसन पढ़ने जा रहे हैं तब तक के लिए दीजिए हाफिज़ खुदाफि वालेकुम